मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का पहला बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,65,067 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए। महिलाओं की बात करें तो स्व सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ और महिला बाल विकास के लिए 26,560 करोड़ का बजट दिया गया है। किसान एवं ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दुग्ध उत्पादन के लिए 150 करोड़ और गौशाला के लिए 250 करोड़ का बजट दिया गया है। इस बजट में युवाओं का खास ख्याल रखा गया है। प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज और 22 आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे और खेल में 582 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 7,500 और टीचर्स की 11,000 भर्तियां होगी। बुजुर्गों के लिए सरकार तीर्थ दर्शन योजना में 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य होंगे। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। भोपाल समेत 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएगी। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उप योजना में 40,804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।